हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पोर्ट्स फैंटेसी प्रेडिक्शन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बायजूस पॉन्डिचेरी वुमेन्स टी10 के मैच नंबर 5 के बारे में दोस्तों, जो कि यहां पर आप लोगों को खेला जाता हुआ दिखाई देगा एंजल्स वुमेन वर्सेस डायमंड्स वुमेन टीम के बीच में। देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में यहाँ पर दोनों ही टीम्स के बीच में जो रिसेंट गेम्स खेले गए थे, वहाँ पर दोनों ही टीम्स की तरफ से प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्मेंस किया था, एंड उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोग यहाँ पर अपनी ड्रीम 11 टीम बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हम लोग एंजल्स वुमेन टीम के प्लेयर परफॉर्मेंसेस के बारे में। यहाँ पर फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग शिल्पा साहू के बारे में। रिसेंट गेम में फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 11 बॉल्स में 11 रन स्कोर कर पाई हैं। उनके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग बात करें कविशाई, रिसेंट गेम में दोस्तों यहाँ पर 23 बॉल्स में सिर्फ 17 रन स्कोर कर पाई। उनके बाद फ्रेंड्स यहाँ से पायल वलमिक, रिसेंट गेम में यहाँ पर 26 बॉल्स में 24 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेल करके आ रही हैं। बात करेंगे फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ से एंजल्स वुमेन टीम के बॉलिंग परफॉर्मेंसेस के बारे में। यहाँ से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जनाकी रामा सैनी अपने पूरे 2 ओवर की बॉलिंग कराई है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा किफ़ायती गेंदबाजी करी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हालांकि इन्हें कोई भी विकेट्स नहीं मिली। उनके साथ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं शिल्पा साहू अपने पूरे 2 ओवर की बॉलिंग कराई, लेकिन दोस्तों इन्हें भी यहाँ पर कोई भी विकेट्स नहीं मिली। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं गोकुल नदीनी, मुरुगेशन यहाँ पर दोस्तों अपने पूरे 2 ओवर की बॉलिंग करी, यहाँ पर दोस्तों एक विकेट निकाल करके आ रही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बात करेंगे अब हम लोग यहाँ से डायमंड्स वुमेन टीम के प्लेयर परफॉर्मेंसेस के बारे में। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पूनम खेमनार, रिसेंट गेम में सिर्फ दोस्तों यहाँ पर 12 रन स्कोर कर पाई। युवाश्री कार्तिकेयन दोस्तों रिसेंट गेम में यहाँ पर 13 बॉल्स में सिर्फ 13 रन स्कोर कर पाई। रोहिणी मैन दोस्तों अपना बैटिंग से खाता नहीं खोल पाई, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर बॉलिंग से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। एंड यहाँ से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अर्थिका वेलमुरुगन, रिसेंट गेम में यहाँ पर नॉट आउट 21 रन की इनिंग्स खेल करके आ रही। यहाँ पर दोस्तों रिसेंट गेम में टीम से हाईएस्ट स्कोर इनका ही रहा था। उनके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आफिया खान विकेट कीपिंग सेक्शन से सिर्फ 2 रन स्कोर कर पाई। अरुणा देवी सेकर 7 रन स्कोर पाई। अंजना भी अपना खाता नहीं खोल पाई। एंड यहाँ पर फ्रेंड्स श्री मीरा चंद्रशेखर रिसेंट गेम में सिर्फ 2 रन नॉट आउट स्कोर कर पाई। तो चलिए फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग यहाँ से डायमंड्स वुमेन टीम के बॉलिंग परफॉर्मेंसेस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं श्री मीरा चंद्रशेखरन यहाँ पर रिसेंट गेम में 2 रन नॉट आउट स्कोर किया था, साथ ही दोस्तों अपने पूरे 2 ओवर की बॉलिंग कराई, एंड यहाँ पर फ्रेंड्स एक विकेट भी इन्होंने निकाली। रोहिणी मैन दोस्तों बैटिंग से खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बॉलिंग से 2 विकेट निकाल करके आ रही है रिसेंट गेम में। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोग इनकी इकोनॉमी देख सकते हैं, सिर्फ 2.5 की इकोनॉमी से यहाँ पर इन्होंने बॉलिंग कराई थी। उनके बाद फ्रेंड्स यहाँ से अजनी पीएस, यहाँ पर दोस्तों इन्होंने भी अपने पूरे 2 ओवर की बॉलिंग कराई, हालांकि फ्रेंड्स इन्हें कोई भी विकेट्स नहीं मिली। एंड यहाँ से दोस्तों पूनम खेमनार एंड युवाश्री कार्तिकेयन दोनों ही गेंदबाज दोस्तों रिसेंट गेम में एक एक विकेट निकाल करके आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं मेरी इस मैच की ड्रीम 11 टीम के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों मैं विकेट कीपिंग सेक्शन से पिक करने वाला हूँ डायमंड्स वुमेन टीम की तरफ से ए खान को, एंड यहाँ पर दोस्तों बैटिंग सेक्शन से मैं पिक करने वाला हूँ रूपाश्री एस को। उनके साथ ही दोस्तों मैं यहाँ से पिक करूँगा एस सी सी चंद्रशेखरन, एंड उनके साथ ही दोस्तों बैटिंग सेक्शन से मैं यहाँ पर पिक करूँगा अर्थिका वेलमुरुगन को। ऑलराउंडर सेक्शन से दोस्तों यहाँ पर मैं पिक करने वाला हूँ एस साहू को। उनके साथ ही दोस्तों यहाँ से वाई कार्तिकेयन। उनके बाद फ्रेंड्स यहाँ से मैं पिक करूँगा पूनम नाना साहेब खेमराज, एंड यहाँ से दोस्तों मैं पिक करूँगा रोहिणी मैन। एंड दोस्तों यहाँ पर मैं बॉलिंग सेक्शन से पिक करने वाला हूँ 3 प्लेयर्स को, पायल वलमिक, कविशा ई। दोस्तों यहाँ से मैं पिक करने वाला हूँ लीला तेजस्वनी को। यहाँ से दोस्तों मैं सी करूँगा रोहिणी मैन को, एंड दोस्तों वीसी में करूँगा पूनम नाना साहेब खेमनार को। यहाँ पर दोस्तों आप लोग अपने सी वी सी रोटेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये है मेरी इस मैच की स्मॉल लीग टीम। बाकी दोस्तों इस टीम में जो भी फाइनल चेंजेस रहेंगे लाइनअप्स के बाद दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को फाइनल टीम देखने को मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन नहीं किया है तो फ्रेंड्स जल्दी चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से पिक किया है ए खान को, बैटिंग सेक्शन दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 प्लेयर्स को यहाँ पर मैंने पिक किया है, ऑलराउंडर सेक्शन दोस्तों यहाँ पर मैंने 4 प्लेयर्स को पिक किया है, एंड दोस्तों यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन से मैंने 3 प्लेयर्स को पिक किया है। यहाँ पर दोस्तों मैंने सी किया है रोहिणी मैन को, एंड दोस्तों वी सी मैंने किया है पूनम नाना साहेब खेमनार को। सो फ्रेंड्स ये है मेरी इस मैच की इनिशियल टीम। फाइनल टीम दोस्तों लाइनअप्स के बाद आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फ्रेंड्स जल्दी से जाइए एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। ये है दोस्तों हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्पोर्ट्स फैंटेसी प्रेडिक्शन। तो फ्रेंड्स जल्दी जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। सो चलिए फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आप लोग किसी न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।